वेलकम टू पीएसएल ट्रांसमिशन, आपको खुशामदीद कहते हैं। और आगे फर्दर बढ़ने से पहले जी, पिच रिपोर्ट आज बहुत जल्दी आ गई है, पहले नाजरीन आपको वो दिखाते हैं। ले जी, खत्म हो गया यू वॉशिंग कैडबरी डेयरी मिल्क पीएसएल हंगामा, प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय हर्बल शैम्पू, ब्रॉट टू यू बाय न्यू बाय किसिंग पेंट्स और पावर्ड बाय एचबीआर, रिफ्रेश बाय कोक। ये हैं हमारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज, और पीएसएल की जो ट्रांसमिशन है इसमें हमारे साथ हमारे वन एंड ओनली मिस्टर सलीम मलिक, जिनकी कैप्टेंसी से कौन वाकिफ नहीं है, हमारे साथ मौजूद होते हैं। इनके एक्सपर्ट तज्जिए भी आप सुनेंगे, और इसके साथ अब्दुल रऊफ जो कि एक्स टेस्ट क्रिकेटर हैं हमारे साथ हैं इस ट्रांसमिशन की शान बढ़ाने के लिए। मैं पहले तो वो जो स्कोर बोर्ड हमारा जैसे प्लान था उस पर ही मैं बात करना चाहूंगी, लेकिन पिच रिपोर्ट पहले आ गया, तो मलिक साहब पहले पिच से ही स्टार्ट कर ले। बिल्कुल, देखें जो आमिर ने कहा कि इस पे थोड़ा सा पानी लगाती हैं, रोल होता है मगर, हाँ। और स्पिन को बड़ा सूटेबल है, मगर मेरा ख्याल है कि वो उसको एक चीज़ देखनी चाहिए थी कि यहाँ फास्ट बॉलर आउट कर रहे हैं, स्पिनर तो इतना रोल, बहुत कम रोल अदा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल जो हम बार बार कहते थे कि चूँकि वहाँ बारिशें हुई थी, उसके बाद जब आप सुबह को पिच तैयार करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा जो वी एट एयर होता है उसको ठीक करने के लिए पानी लगाया जाता है, right. तो उससे फास्ट बॉलर को अर्ली जो फास्ट बॉलर है उनको फ़ायदा होता है, इवन दो बाद में ड्यू फैक्टर की वजह से भी फास्ट बॉलर को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो मेरा ख्याल बेसिकली फास्ट बॉलर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, चूँकि मॉइस्चर आ जाता है, दोनों टाइम पर फ़ायदा फास्ट बॉलर को हो रहा है। और उसमें हम हमेशा पिछले सेगमेंट में हम दोनों यही कह रहे थे कि पहले 6 ओवर बड़े वाइटल हैं, जो बंदा पहले 6 ओवर सर्वाइव करेगा वो लंबा स्कोर करने में काम, लंबा स्कोर से मुराद मेरी जो पिछले साल हम देखते थे 200 वो तो नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, एटलीस्ट वो 170-180 तक जा सकता है। अच्छा, अगर विकेट से रीजन मैं आपसे जानना चाहूंगी आगे चल के, मैं चाहूंगी कि आप इसको भी हाईलाइट करें आखिर क्या वजह थी। लेकिन पेशावर और कोयटा, जैसे मलिक साहब ने कहा कि फास्ट बॉलर की ये पिच होगी, फास्ट बॉलर को फायदा होगा, सो व्हाट यू थिंक आज के जो मैच में किस टीम को ज्यादा फायदा होने जा रहा है? देखिए, अगर आप स्टैट्स इनके देखें तो जो कोयटा की टीम है लास्ट मैच अपना कराची से हार गई थी और बड़े लो स्कोर पे 118 रन पे आउट हो गई थी, और हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे क्योंकि जो हमारे पिच एक्सपर्ट हैं, जिस तरह अभी आमिर सहेल ने भी पिच रिपोर्ट दिखाई है और इससे पहले वकार यूनुस बात कर रहे थे, तो उस मैच में भी इन्होंने कहा था कि बड़ा हाई स्कोरिंग मैच होगा, 220 प्लस रन होंगे, मगर 118 रन पर कोयटा आउट हो गई। और उसके बाद जो पेशावर की टीम है अपना लास्ट मैच मुल्तान सुल्तान जैसी जो टॉप टीम है उसके खिलाफ जीती हुई है, तो उस मैच में जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा था कि दो स्कोरिंग मैच होगा और 150 रन, उसमें 200 ज्यादा हो गए और ऑलमोस्ट गोइंग टू बी चेज, और रन भी चेज होने लगे थे, 4 रन से पेशावर की टीम जीती है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो वो कह के गए हैं उसका उल्टा होने जा रहा है? जो नहीं, असल में इसमें एक चीज है, ये तो रऊफ है ना कि जैसे जैसे मैचेस होते हैं ना तो विकेट थोड़ा सा उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है, तो और स्पाइक्स लगने से ऊपर भागने से तो शायद मे भी थोड़ा बहुत स्पिन नज़र आए। वैसे जो फ्लाइट बॉल करने की कोशिश कर रहा है उसको तो स्पिन मिल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हो ये रहा है कि T20 की वजह से लोग डरते हैं, आके तेज़ तेज़ बॉल करने की कोशिश करते हैं, कोई भी वेरिएशन लेने लाने की कोशिश नहीं करता, उसमें हो क्या रहा है कि उनको स्पिन मिल नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में पिछले मैच में थोड़ा सा हमें फ्लाइट बॉल किए कुछ लोगों ने तो उनको फ़ायदा हुआ है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये स्पिनर्स को इस चीज़ पे काम करना होगा कि इसमें तेज से मारना नहीं है, आपको वेरिएशन से बॉल करनी होगी। exactly. तो मेरा ख्याल फ़ायदा उसी को होगा, क्योंकि विकेट मेरा छठा मैच है इस पे, छठा या सातवां मैच, तो विकेट में जरूर थोड़ा सा ब्रेक आएगा। राइट, बिल्कुल ठीक हो गया रऊफ, डू यू अग्री विद हिम कि जो ये बात कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जो पॉइंट्स टेबल है कोयटा एंड पेशावर, ऑलमोस्ट पॉइंट्स तो दोनों के सेम हैं लेकिन मैचेस जो हैं वो आई थिंक पेशावर जलमी ने ज्यादा खेले हुए हैं। जी बिल्कुल, पेशावर के मेरा ख्याल है कि 8 मैचेस हैं और 9 पॉइंट्स हैं, right. और 2 मैचेस बाकी हैं। कोयटा ने 7 मैचेस में 9 पॉइंट्स हैं और उनके अभी 3 मैचेस बाकी हैं, और उनको अभी चेज कर रही है कराची के लिए भी ये टूर्नामेंट अभी तक अलाइव है, क्योंकि कराची के 8 मैचेस में 6 पॉइंट है। मर तो बेचारे लाहौर वाले गए हैं, लाहौर तो ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट, दुख तो हमें लाहौर वालों को है। मलिक साहब आप हंस रहे हैं ऐसे, लाहौर ऑलमोस्ट
लाहौर पे हम पिछले मेरे ख्याल एक माह से आसरे हैं जी, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा है। देखिए राणा जवाद साहब से मैंने सवाल किया, मैं कहा क्या वजह बनी आप क्यों, कहते हैं हमें फॉर्म 45 तो ठीक था, 47 पे आके हमारा ख़राब हो जाता है। नहीं, इनका बेसिकली फॉर्म 45 ही ख़राब था, क्योंकि ये पीछे जो पहला ही लेके आए थे ना शुरू से ही, जो उन्होंने सिलेक्शन की थी वही कम्प्लीटली रॉन्ग थी। ओके, उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट थे, और फिर उसके बाद जो इनमें चेंजिंग भी आगे नहीं की। फॉर्म 47 तो बाद में आता ना कि लेटर पार्ट में, इन्होंने पहले पार्ट में ही अपना जो, यानी कि आप, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अब्दुल्ला शफीक थे पाकिस्तान के सीजनल ओपनर है, जो वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियाँ कर दिया है, और लास्ट लाहौर कलंदर जिसमें चैंपियन हुई है उसके फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच थे, उनको इन्होंने 2 मैचेस के बाद बाहर बिठा दिया और उसको कोई मैच नहीं खिलाया। इसी तरह फिर जो उनके आउट ऑफ फॉर्म बॉलर्स थे उनको ये पूरे टूर्नामेंट में कैरी करते रहे, और ये एक्सपेक्ट करते रहे कि शायद इस मैच में रिजल्ट दे दें, इस मैच में रिजल्ट दे दें, और उसी रिजल्ट प्रोडक्शन के चक्कर में 7 के 7 मैचेस ये हार गए। तो इसका मतलब है कि फॉर्म 45 फॉर्म 47 45 ही खराब है, असल में इनकी सिलेक्शन बड़ी गंदी हुई है। असल में शाहीन पर करते हैं रिलाय के जो शाहीन कह रहा है वही सब ठीक है। नहीं, असल में देखें हुआ क्या है कि इनकी ना बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी पिछले एक दो से, ये हमेशा इवन पाकिस्तान की ऑलमोस्ट बॉलिंग खेल रही थी। अब रऊफ अनफिट, खुद वो अनफिट, उसके बाद इन्होंने रिप्लेसमेंट उसकी जगह कोई नहीं ली, फिर इनके स्पेशली नीचे स्पिनर्स इनके पास कोई इतना ख़ास नहीं था, राशिद के ना होने से तीन बंदों की देखें ना, तीन बंदे मेन प्लेयर इनके बाहर हो गए। सबकी शादियों के बाद ये कोई परफॉर्मेंस अच्छी दे रही ये बेचारी बेगमों पे क्यों डाल रही है। लेकिन आप ये देखें, इनका ऑस्ट्रेलिया का टूर हो, इनका एशिया कप हो, इनका वर्ल्ड कप का टूर हो, तमाम बेगमात इनके साथ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बेगमात के प्रेशर में इनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। वो शॉपिंग ज्यादा करती है ना, वो प्रेशर मेरे ख्याल ज्यादा पैसे बचाने पर लगा हुआ है। लेकिन मैं आपकी तरफ आऊंगी रऊफ, आपके समझते हैं कि अभी पॉइंट टेबल पर जैसे आप बात कर रहे थे, आज का मैच कोयटा के लिए जीतना, बल्कि जो भी जीतेगा वो तो पावर प्ले में चला ही जाएगा, ऑलरेडी मुल्तान सुल्तान तो वहाँ पर मौजूद है, पेशावर के लिए जीतना कितना ज़रूरी है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हम बात कर रहा था कि कराची 8 मैचेस के बाद 6 पॉइंट्स पर है, अभी तक कराची इस टूर्नामेंट से कम्प्लीटली आउट नहीं हुई। अगर ये आज मैच जीत जाता है पेशावर तो फिर कराची भी लाहौर की तरह आते हैं कि टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। अदरवाइज अगर आज पेशावर मैच हार जाता है तो उसके बाद कराची के पास स्टिल मैचेस 2 मैचेस बाकी हैं, अगर 2 के 2 मैचेस जीत जाते हैं तो उनके 10 पॉइंट हो जाएंगे, वो स्टिल अभी तक अलाइव रहेंगे। तो इसलिए ये पेशावर के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल मैच होगा, और उनको बड़ी कैलकुलेटेड टीम अपनी सिलेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट मैच में अगर उन्होंने 204 रन्स किए थे मुल्तान के खिलाफ तो 200 रन्स उन्होंने करवा भी दिए थे, बॉलिंग उनकी स्ट्रगल करती रही। तो इस मैच में देखें कि क्या वो बॉलिंग लाइन में चेंजिंग करते हैं, या फिर उनके एक दो प्लेयर्स हैं जिस तरह हारिस स्कोर नहीं कर रहा था तो उसको आउट करते हैं, यानी फिर आसिफ अली ने हारिस पिछले मैच में मेरे ख्याल ड्रॉप कर दिया था उसको, आसिफ अली का प्रॉब्लम है, वो स्कोर नहीं कर रहा काफ़ी अर्से से, उसको देखें उसकी जगह पर किसको लाते हैं। तो एक दो स्लॉट्स इनकी अभी फिल होने वाली हैं, इन्होंने एक नई किया जा सकता है। हाँ जी, एक इन्होंने एक लड़का इंट्रोड्यूस कराया था मेहरान मुमताज, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, मेहरान ने बॉलिंग कितनी अच्छी की, बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग। तो मेरा ख्याल है कि आज हम देखेंगे कि वो मजीद अपनी सिलसिला उसका जारी रखता है कि नहीं। वैसे मेहरान, मुझे जितने भी स्पिनर्स अभी तक खेले हैं ना जी, वैसे हम जिसकी तारीफ करते हैं फिर अगले मैचों में इसको मार रोड़ी। यही लोग मैं बाबर आजम की तारीफ आपसे करवाने वाली थी, आपने तो मेरा क्वेश्चन ही खत्म करवा दिया। नहीं, उसकी भी करेंगे। बाबर आजम बड़ा मुझे इनफॉर्म नजर आ रहे हैं। देखें, इस बाबर आजम एक बहुत पाकिस्तान का प्लेयर है, जो प्लेयर है किंग बाबर, बाकी जो है ना वो याली मदद वाला काम है। बाकी आप पाकिस्तान टीम को भी देख लें कि बाबर जब तक स्कोर करता है, आप कंसिस्टेंट प्लेयर, आप, मैं उसको प्लेयर मानता हूँ या कोई भी दुनिया के लोग हैं वो क्यों उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट स्कोर करता है। वो ऐसा नहीं है कि एक मैच में किया, दो में फ्लॉप हो गया, आप पिछली उसकी सारी देख लें। तो ये आज भी जो है ना बाबर का बड़ा क्रूशल होएगा रोल। अच्छा, क्योंकि देखें उसने 100 किया, टीम को साथ लेके चला, सामने से होता किस भी किए, होता ये है कि सामने से विकेट ना गिरी हो ना तो बाकी प्लेयर्स जो है ना वो आके अगर तेज भी खेले ना तो वो उनको पता होता है कि एक एंड सेफ है। तो बाबर बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि जी स्लो, उसका स्ट्राइक रेट बड़ा स्लो है,
मेरे ख्याल में ऐसा प्लेयर जो टीम को चला के लेके जाए, उससे बेहतर प्लेयर टीम में हो ही नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है आज भी बाबर का रोल यही होना चाहिए कि एक एंड पे उसको विकेट थ्रो नहीं करनी चाहिए, बेशक शुरू में स्कोर हो ना हो। अगर वो बाबर स्टे करता है तो ये लंबा स्कोर करेंगे, क्योंकि बाबर के आउट होने से एकदम टीम अंडर प्रेशर आती है, क्योंकि वो मेन प्लेयर है, डाउन हो जाता है ना। तो ये आज बाबर का बहुत बड़ा वाइटल रोल होगा। अच्छा, ये जो आपने पिक्चर एग्जैक्ट खींची है ना, मुझे अपनी क्रिकेट टीम के अंदर रिजवान और बाबर की जोड़ी भी ऐसे लगती थी। रिजवान थोड़ा स्टे दे के, उसका हमेशा स्ट्राइक रेट स्लो होता था और बाबर हार्ड हिटिंग करता था। इन दोनों की जोड़ी में यही चीज थी। देखें, ये जब तक दोनों ओपन करते रहे, बहुत सारा लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, मगर आप देखें कि उतनी देर तक पाकिस्तान की ओपनिंग अच्छा करती रही। जी बिल्कुल, जैसे ये इनकी जोड़ी हफीज ने तोड़ी है, उसके बाद स्ट्रगल कर रहे हैं। यस, मतलब जब से ले लें आप, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, कोई सेटल नहीं हो रहा। तो ये बगैर कोई विकेट गिरे, हमने इंडिया को जो है वो जीत गए थे। नहीं, ये था कि ये पार्टनरशिप आपको जरूर देते थे। तो देखे, मेन चीज होती है कि विकेट सेफ हो, पार्टनरशिप लग जाए, तो बाकी प्लेयर फिर अच्छा कर जाते हैं। तो अगर आप शुरू में विकेटे गिर जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। एब्सोल्युटली, वो फिर थोड़ा सा ना डीमोरलाइज हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स और फिर सरफराज, उनकी मैं जाऊंगी कि सरफराज को हम डिटेल में डिस्कस करें। सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन उसने इतना धोखा दिया है ना हमें, एज अ कैप्टन भी, एज अ प्लेयर भी। अब भी कुछ करेंगे या उसके रिप्लेसमेंट में आप, व्हाट यू थिंक, क्यों नहीं कोई रिप्लेसमेंट अभी तक ला रहे उसकी? देखिए, मेरा ख्याल है कि इनको सोचना भी चाहिए और इससे पहले प्लान करना चाहिए था जब इन्होंने टीम सेलेक्ट की, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो खेल रहे हैं। और मैं बार बार ये बात करता हूँ कि बाज़ प्लेयर जो हैं, जो इस T20 या शॉर्ट फॉर्मेट के प्लेयर्स नहीं हैं, जिस तरह कराची के आपने देखे हैं, शान मसूद हैं, उनको ज़बरदस्ती इस फार्मेट में खिलाया जा रहा है और उसके बावजूद कराची की पोजिशन भी नीचे जा रही है और वो भी अभी तक टीम का पार्ट है। उसके बाद शुएब मलिक से परफॉर्म नहीं हो रहा, वो भी खेलते जा रहे हैं। इधर सरफराज को भी खिला रहे हैं बार बार, हालांकि बिस्मिल्ला खान वेरी प्रोमिसिंग यंगस्टर है, क्वेटा से है वो, और उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर से। वो कंसिस्टेंटली बाहर बैठा हुआ, उसको चांसेस वगैरह नहीं दिए जा रहे। तो ये मेरा ख्याल लॉबिंग की वजह से तो नहीं है, क्योंकि सरफराज कैप्टन भी रहे हैं, फिर ये लॉबिंग उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे। देखिए, मेरा ख्याल है कि लॉबिंग होनी नहीं चाहिए। इस लॉबिंग की वजह से जो हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो सफ़र करते हैं। आप PSL देखें कि आप उसको एक बिग बैश और IPL के बराबर का इसका ब्रांड बनाने जा रहे हैं, मगर जब आप अपने लोगों को ओबलाइज करेंगे, सिर्फ सरफराज नहीं, बाकी टीमों में भी देखें इस तरीके से चल रहा, और उसके बाद इनकी जो मैनेजमेंट है वो भी 8-9 साल हो गया बगैर चेंजिंग के, बगैर किसी परफॉर्मेंस के, वही चलती रही हैं। तो सम पीपल आर द बेनिफिशरीज ऑफ द सिस्टम, जब तक आप उनको साइडलाइन नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम ऊपर नहीं जा सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने इसको बड़ा ब्रांड बनाना है, PSL को ऊपर लेकर जाना है, तो ये आपको एक रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैठकर इन फ्रेंचाइज ऑनर से बात करनी पड़ेगी कि भाई हमने इसको इस जगह पर नहीं रखना, यहाँ से इसको नीचे नहीं लेके जाना, हमने इसको ऊपर IPL के बराबर पर लेके जाना। अगर आपने उसके बराबर पर लेके जाना तो फिर आपको उस तरह के डिसीजन मैनेजमेंट में भी लेने पड़ेंगे, टीम्स में भी लेने पड़ेंगे, और फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है, जो टीम सेलेक्ट करके फ्रेंचाइज को देती है, Absolutely. वो उन पे भी इनको थोड़ा सा चेक रखना पड़ेगा। एक्सेलेंट पॉइंट। लेकिन अभी जो मेरे पास पॉइंट्स टेबल के ऊपर आ रहे हैं मलिक साहब, मैं अगर शेयर करूं अपने व्यूअर से भी, वो है जी पिशावर जलमी ऑन एवरेज अभी तक जो इनिंग्स है उन्होंने 7 खेली हैं और उनकी 59.29 है, और मुल्तान सुल्तान जो कि क्वालिफाई कर चुकी है उसके 8 इनिंग्स में जो एवरेज ऑन एवरेज है 13.50 है, एंड सो ऑन बीच में बिटवीन बाकी तमाम जो हैं उसके भी हैं। मैं वो हैरान हूँ पिशावर जलमी के लिए। आप कह रहे थे कि आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, लेकिन 415 रन्स ऑन एवरेज भी उनके सबसे ज़्यादा है और इनिंग्स जो आ रही है एवरेज वो भी 59.29 आ रही है सबसे ज़्यादा पिशावर जलमी की। नहीं देखें, ये स्टैट्स जो है ना ये बाद में आते हैं। ऑन अ डे जो अच्छा खेलता है ना उस दिन बड़ा मैटर करता है, क्योंकि ये तो आप बाद में निकालते हैं ना कि ये ऐसे हुआ था, ऐसा हुआ, असल होता है उस दिन कौन अच्छा खेलता है। ये आप बड़ा लूट लिया। देखें ना, आप कराची लाहौर को अगर देखें, पिछले 2 साल से ये चैम्पियन लाहौर थी, तो इस साल उसका क्या हाल हुआ। ऑन अ डे वो उनकी सिलेक्शन पे बड़ा डिपेंड करता है, जो हम बार बार इस चीज़ पे बात करते हैं कि आपकी सिलेक्शन अगर अच्छी नहीं होएगी, लाहौर की अच्छी नहीं थी तो बाहर हो गई, कराची पिछले 2-7 साल से अच्छी नहीं कर रही,
बाहर हो गई, बाहर ही हो रही है। मैं अभी आपने एक सवाल किया था रऊफ को, सरफराज का, देखें लॉबियाँ काम करती हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं इस तो जनाब टॉस आपने देख लिया है, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, तो क्या फैसला क्या देख रहे हैं आप? मैं फिर मलिक साहब सरफराज की लॉबिंग पर आती हूँ, पहले अब्दुल रऊफ से जानते हैं कैसा रहा ये डिसीजन, बॉल स्विंग वाला, सेम वही बात जो मलिक साहब ने पहले की थी कि बॉल बहुत स्विंग हो रहा है। देखिए मेरा ख्याल है कि अभी तक जो दोनों कैप्टन है वो डबल माइंडेड है, कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे, क्योंकि आप देखेंगे अगर पिछला मैच निकाल लें जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का था इस पिंडी स्टेडियम में, उससे पहले जितनी टीमों ने चेज़ पे गई हैं वो सारे मैचेस आ रहे हैं, जिन्होंने पहले बैटिंग किया वो मैचेस जीतते रहे हैं। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीत गई थी चेज़ पर, आज इन्होंने, मेरा ख्याल है कि इसलिए इन्होंने पहले बैटिंग की बॉलिंग की है रोसो ने, क्योंकि लास्ट मैच जो उनका कराची से हुआ इसी पिच पर, उसमें ये इन्होंने पहले बैटिंग की थी और 118 रन पर आउट हो गए थे, तो माइंड भी ये इनके माइंड में हो गया कि हम बाद में चेज़ करने जाएंगे और बाद में जो सिचुएशन होती है या जो पिच होती है उसका बिहेवियर थोड़ा बेहतर हो जाता है। हाँ। तो मे भी ये हो सकता है इनके दिमाग में। और एक और चीज़, इनका जो एक बड़ा मेजर बॉलर है उस्मान तारिक, उसके एक्शन पे थोड़ा सा सस्पेक्शन आई है। हाँ। तो और अगर वो, मेरा ख्याल है कि अगर उनकी टीम में होता तो शायद ये पहले ये चले जाते सेकंड बॉलिंग पे, तो अब थोड़ी सी इनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ है वो वीक हुई है, तो ये सेकंड चेज पर गए, बिल्कुल ठीक हो गया। मलिक साहब, चाहे पहले खेलें चाहे बाद में खेलें, आज का मैच तो हमारा पेशावर और कोयटा के दरमियान है, लाहौर कलंदर्स वाले ना पहले खेल के जीते हैं ना बाद में खेल के जीते हैं, ये दुख मुझे तो बहुत है, मैं इस वजह से बार बार आती हूँ इस तरफ। लाहौर देखें जी, लाहौर बेचारे मेरे ख्याल वो सिलेक्शन ठीक नहीं कर सके, उन्होंने मेरे ख्याल वो अपने उसी नशे में रहे कि हम पिछले दो साल जीते हुए हैं और वो उससे बाहर नहीं निकले। हाँ। बाकी टीमों को अगर देखें, मुल्तान को, ये इन्होंने बड़ी जल्दी उनकी जो वीकनेस थी उनको कवर किया, कवर कर लिया, इन्होंने कोशिश नहीं की। जब इन्होंने, इनको समझ आई उस वक़्त बहुत लेट हो चुका हुआ था, वो उस वक़्त ये टोटली बाहर हो चुके थे। मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर के लिए इनको इस चीज़ पर काम करना पड़ेगा कि इनकी जो कम्बिनेशन है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आज के मैच की तरफ अगर आ जाते हैं, तो अभी टॉस भी आपने देखा है, तो व्हाट यू थिंक, क्या पिच को देखते हुए और सब बॉलर्स को, सब टीम को देखते हुए, क्या किसके फेवर में जा रहा है? देखें मेरे ख्याल में पेशावर जो है वो बहुत अंडर प्रेशर होगा। उसकी रीज़न ये है कि उसका ये मैच जीतना बड़ा क्रूशल है। कोयटा तो फिर भी उसके पास चांस होएगा हारने के बाद, पर पेशावर अगर हारता है तो वो फिर उस सिचुएशन पे आ जाएगा कि अगर अगला मैच हारे तो हम बाहर हो जाएंगे। तो आज के लिए, आज थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो अंडर प्रेशर खेलेगी, मगर मेरे ख्याल है रऊफ, इनके पास नवीन और नवीनुल हक ने, वो सेकंड इनिंग में बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, मगर मेरे ख्याल उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, वो समझ रहे हैं कोयटा वाले क्योंकि वो अटैक करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो, आई थिंक बाबर का यू पहले बैटिंग करते, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बाबर पे हमें एतमाद तो है। टॉस हो चुका है, कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़र्मी के दरमियान मैच है, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसे कि पहले आप बता रहे थे उस्मान तारिक आई कि उनके बॉलिंग एक्शन पे थोड़ा आया था, अब उसको चेंज कर दिया। अभी रूसो ने बात करते हुए बताया भी है सरफराज ड्रॉप हो गए हैं, मलिक साहब सुनी गई आपकी क्या कह रहे हैं? उसपे उसके लिए रऊफ बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर सरफराज देख रहे हैं तो कल्प्रेट ये है जी, अब्दुल रऊफ साहब है। सरफराज की इतनी तारीफ की है कि सुन लिया कोयटा ग्लैडिएटर्स वालों ने। देखिए काफी ज्यादा हो गया, क्योंकि उन्होंने इस टूर्नामेंट में रहना, आगे इंपॉर्टेंट मैचेस भी उनकी आएंगे और उसमें अगर उन्होंने परफॉर्म करना तो उनको ये चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये हमारे सामने जो टीम स्क्वाड भी चल रहा है ये दोनों मैचेस का, ये देखे ना, उसने उसको सरफराज की जगह पे लॉरी एवंस आ गए, उसके बाद जो उस्मान तारिक जिसकी हम बात कर रहे थे, जिनका एक्शन सस्पेक्ट किया था पिछले मैच में, उनकी जगह पे सुहेल खान आ गए, और एक बड़ा अच्छा इंक्लूजन इन्होंने किया उमर बिन यूसुफ का, ये बड़ा प्रोमाइजिंग किस्म का अंडर 19 बैट्समैन है, इसने बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस की है पीछे डोमेस्टिक में, तो मेरा ख्याल है कि बड़े राइट टाइम पे इसको टीम के अंदर इन्होंने इंक्लूड किया। नहीं यार, ये इन्होंने स्पिनर की जगह फास्ट बॉलर डाल लिया, ये मेरी समझ से बाहर है। वो असली भाई कंडीशंस, क्योंकि आपने देखा ना कि सीम बॉलर को सूट कर रही है जो पिंडी इस्लामाबाद की कंडीशंस हैं, तो जितने भी सीम बॉलर्स हैं उनको यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने रिड्यूस किया अपने फास्ट स्पिनर को, और सुहेल खान क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर है
नो डाउट उसे लास्ट मैच में कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई है, मगर ये कंडीशंस को सामने रखते हुए मेरा ख्याल वैसे ये ज्यादती है। पिछली दफ़ा आपने सुहेल खान को कहा था कि ये मेरे साथ 15 साल पहले इसने खेला है, और अब आप उन्हीं लोगों को दोबारा खिला रहे हैं जो नए प्लेयरों को चांस नहीं दे रहे। यस। तो मेरे ख्याल में लॉबिंग है ना, इसी लॉबिंग की तो हम पहले भी बात कर रहे थे। एंड बैक टू द लॉबिंग, मलिक साहब आप बताइए, ये पाकिस्तानी टीम के अंदर इवन ये जो स्पॉन्सर्स हैं और ये सब टीम्स हैं, इसमें भी लॉबिंग क्या बहुत स्ट्रॉन्ग होती है प्लेयर्स की? बहुत है। देखें, मुझे याद है कि सबसे ज़्यादा सरफराज पे बोला गया, जब उसको कप्तानी से हटाया गया तो जी ये पानी पिलाने आए तो उस पर भी बड़ा शोर मचा, जी उनको 12th मैन बना के अंदर भिजवा दिया गया। देखें, हम भी कप्तान रहे हैं, बहुत सारे लोग कप्तान रहे हैं पाकिस्तान टीम के, वो सारे अंदर जाते थे जब मैच अच्छा के दौरान, अगर नहीं खेल रहे तो जाके बल्कि अप्रिशिएट करते थे। तो ये लॉबी जो है ना, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसका है रोल। अपने टाइम का अगर कोई किस्सा आप हमसे शेयर कर सकें, एनीथिंग व्हिच कम्स इन योर माइंड। मैं जी हमारे टाइम पे मैं नाम नहीं लूँगा किसी अच्छा, का हाँ। मैं हज़फ कर देते हैं, उसको ज़रा वो समझ जाएंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। हमारे टाइम पे ना जी एक सेलेक्टर थे, तो वो उन्होंने मुझे कहा जी कि कराची का एक लड़का था, उन्होंने कहा कि इसको खिलाना है। मैंने कहा सर इसकी जगह, मैं कैप्टन था तो वो इकट्ठे टीम बनती थी, तो हाँ। उन्होंने चाहा कि मुझे कॉन्फिडेंस में ले के, तो जब वोटिंग हो तो ये इंजेक्ट कर दिया हमारी तरफ हो, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये इसको खिलाना है। मैंने कहा जी दो ऑलरेडी ये जो लड़के हैं आपने खिलाए हैं, इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो ये भी ये खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी ये दो तो हैं, ये खेलेगा। मैंने कहा जी ये तो नहीं खेलेगा क्योंकि इसकी जगह बनती नहीं है। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, दो सेलेक्टर्स ने ये कह के कि ये सलीम मलिक जो है ये बायस्ड है, ये हमारे ख़िलाफ़ है, और उसके खिलाफ उसके बाद मेरा कराची जाना बड़ा मुश्किल हो गया था। हालांकि मैंने कोई, अल्लाह जानता है कि मैंने कोई बेईमानी नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं थी। आप परफॉर्मेंस बेस पे रखते हैं ना, तो लॉबी जो है ना शायद उन पे प्रेशर था। असल में आप नहीं आए ना उस लॉबी के अंदर, अगर वो आप इंट्रोड्यूस करवा देते उस लड़के को तो फिर आपका कराची जाना मुश्किल ना होता। मैं आपको लॉबिंग का किस्सा सुनाता हूं एक अपना, कि यहां पे इस तरह होता है। 2003 का वर्ल्ड कप था पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका में, तो हमारा मैच हो रहा था फर्स्ट क्लास का मुल्तान में। मुझे वकार यूनुस का फ़ोन आया साउथ अफ्रीका से कि तुमने आना है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्योंकि उससे पहले जो ट्रायल मैच यहाँ पे हुआ था उसमें मैंने 5 आउट किए थे, पाकिस्तान की सारी टीम को मैंने 100 पे आउट कर दिया था मैंने। तो मुझे फिर भी वो चेयरमैन ने निकाल दिया अपने रेफरेंस पे और फिर किसी और को ले गया। ये गोरे जब कोई तारीफ करे ना अपनी, तो गोरे क्लैपिंग करते हैं। अच्छा, आगे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जिनको लेकर गए वो फिर अनफिट हो गए, जिनको मेरी जगह पे लेके गए। वकार यूनुस कैप्टन थे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि जीतना चाह रहे थे। उन्होंने कहा जी कि जो मैं डिमांड कर रहा हूँ मुझे वो प्लेयर्स देना जो उन्होंने परफॉर्म किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम जो आप किसको बुला रहे हैं, उन्होंने कहा जी अब्दुल रऊफ को भेज दें पाकिस्तान से। मुझसे पासपोर्ट लिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरा वीज़ा लगवा दिया साउथ अफ्रीका का, मुल्तान में मैच की एक इनिंग छुड़वाई मुझे फर्स्ट क्लास की, मुझे लाहौर बुला लिया कि, और मुझे सारा सामान वगैरह दे दिया कि आप सुबह जोहान्सबर्ग, आपकी फ़्लाइट है, ये टिकट है, ये सारा कुछ आपका। कैप्टन को बता दिया कि वो आ रहा है, फलाना बंदा भेजें उसको जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट से पिक करके ले जाएगा। हाँ। आप यकीन कर सकती हैं, मैं वापस से मुल्तान गया और वहाँ पे वही बंदा गया जो चीफ सेलेक्टर वसीम बारी के डिपार्टमेंट का था और जो चेयरमैन की मर्जी का था उसको भेजा। फिर वकार ने वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिसको मैंने मांगा था उसको नहीं भेजा और फिर हम वर्ल्ड कप हारे पहले राउंड से बाहर। ये लेवल है लॉबिंग का पाकिस्तान। और स्टिल अभी तक यही 2003 की बात बता रहे हैं। ये 2003 की है। आप ये देखें ना कि इस लीग में आपको कुछ प्लेयर ऐसे नजर आएंगे जो पिछले कई सालों से कुछ नहीं कर रहे, मगर वो किसी ना किसी टीम का हिस्सा है। उसकी रीजन क्या है? हम हमेशा रऊफ और मैं अक्सर बैठ के कहते हैं ये एक सर्कल है जिसमें किसी दूसरे प्लेयर को ये आने नहीं देते। हाँ। क्योंकि वो आएगा तो नज़र आएगा ना, ये नाफे नज़र आ गया। और कुछ प्लेयर शहजाद की हम अक्सर बात करते थे, उसको कई साल फर्स्ट क्लास में उसने बड़े बड़े स्कोर किए, उसको अंदर ही नहीं आने देते थे। अरे इफ्तिखार, देखें इफ्तिखार भी तो शिकार है इसका। हाँ। कितना अच्छा प्लेयर है और फिर कब जाके उसको मौका मिला है, इवन शफीक को देखें, वो आया था खराब करने के लिए, उसको बाहर निकालना शुरू कर दिया। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा
उस बेचारे को ये बिल्कुल ही फारिग कर देंगे बिल्कुल। तो ये हमारे यहाँ लॉबी सिस्टम जो है ना जी, ये दिस इज नॉट गुड। अब आई होप सो के नए चेयरमैन बीसीबी आए हैं तो बेहतरी आए, चेंजेस आए, फिटनेस आए। जैसे आपने बताया कि अब सब प्लेयर्स का फिटनेस लेवल चेक किया जाएगा, उसके बाद उन्हें अलाउ किया जाएगा। थैंक यू सो मच। आप हमारे जो गेस्ट हैं वो हमें दोबारा भी अगली ट्रांसमिशन में भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।